देखिए ये हमारा एक ब्लाउज है, तो ब्लाउज में हम देखिए प्रिंसेस कट है, तो यहाँ पे ये हमारा आगे के पार्ट में, पीछे के पार्ट में, बाई में और कभी कभी गले में भी हाथ सिलाई आता है। तो हम वो हाथ सिलाई किस तरीके से करेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं ये ब्लाउज नहीं लूँगा बल्कि यहाँ पे एक मैं अलग से कपड़ा लूँगा, समझ लीजिए। ये हमारे यहाँ पर हमको हाथ सिलाई करनी है, यहाँ पर हमने सिलाई जो लगाई है वो हमारी फाक है, यानी बड़ी सिलाई है। तो हाथ सिलाई हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक धागा लिया है, ये जो सिंगल ही धागा है, और उसके बाद देखिए जो हमारा यहाँ पीछे का पार्ट है उसको हम इस तरीके से करके यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे एक गांठ बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा इतना हो जाने के बाद अभी सबसे पहले हम हाथ सिलाई करेंगे। तो हाथ सिलाई हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए हाथ सिलाई के दो तीन प्रकार होते हैं, आप किस तरीके से करना चाहेंगे मैं आपको यहाँ पे सभी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो नॉर्मली तरीका है वही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये हमारी सुई है और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से एक बार डाल देंगे और फिर यहाँ पे गांठ लगा देंगे। मैचिंग धागे से करना है आपको, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद देखिए एक हमें यहाँ पर और यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगी सुई बाहर निकली हुई है, तो एक यहाँ पर एक धागा इसका यहाँ पर और इसका भी एक दो धागे आने चाहिए, इस तरीके से हमें कर देना है। ये देखिए मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ, इसको इस तरीके से एक धागा यहाँ पर एक धागा यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद करते जाना है। इस तरीके से कर देना है और फिर यहाँ पे इस तरीके से निकाल देना है। ये देखिए तो ये हमारी यहाँ पर आई बनकर तैयार हो गई है और यहाँ पर भी हमारा इस तरीके से थोड़ा हल्का हल्का सा दिखेगा, लेकिन ये हमारा जब मैचिंग धागा रहेगा तो यहाँ पर भी ये दिखने का चांस नहीं। मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये तो हो गया हमारा पहला कि हम किस तरीके से करेंगे। हाँ मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिया था, आपको याद रहेगा। तो आपको अगर एक एक करके लेना है तो आप एक एक करके भी ले सकते हो। सबसे पहले आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग आप यहाँ से ही करें, एक साथ लेने की कोशिश करें, ताकि जब आप एक साथ लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आराम से कर सकेंगे। अगर आप एक 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 लोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पीछे के कमर में होता है, फिर बाएँ में होता है और फिर गले में भी पूरे में होता है, तो बहुत सारा टाइम लगता है। तो आप एक साथ लेना जब सीख जाएंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, तो एक साथ लेने की ही ट्राई कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, देखिए ये हमारा हो जाने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से हमने गांठ लगाई उसी तरीके से यहाँ पर भी गांठ लगा देनी है। और ये गांठ लग जाने के बाद देखिए यहाँ से हम इस तरीके से एक धागा, दो धागा, तीन धागा, चार धागा और ये देखिए पांच बार इस तरीके से डाल देना है और फिर निकाल देना है। इस तरीके से निकाल देने के बाद यहाँ पे इसको गांठ लगा देनी है ऐसे, और फिर वापस से यहाँ पे पांच धागा, एक दो, ज़रूरी नहीं छः हो जाए तो भी चलता है, लेकिन चार पांच तक ठीक है, छः भी चलता है, कोई परेशानी नहीं आएगी। और फिर यहाँ पे इस तरीके से वापस से गांठ लगा लेंगे, फिर वापस से छः धागा, पांच छः धागा और फिर यहाँ पे गांठ लगा देंगे। अभी इतना बचा है तो यहाँ पे छः सात भी आ जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कपड़ा लिया था आपके आपको समझाने के लिए। मैं शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा तो आपको आसानी रहेगी समझने में। तो देखिए ये पहला तरीका होता है कि डायरेक्ट हम करते हैं। अगर देखिए डायरेक्ट में अगर हमारे यहाँ से धागा टूट गया समझो, तो फिर ये पूरा निकलने के चांसेस रहेगा। अगर ये धागा कहीं पर खींच गया तो ये वापस से यहाँ से ये पूरा खींच जाएगा। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से कहीं पर भी धागा फंस गया तो ये हमारा पूरा यहाँ से इस तरीके से टूट के, ये देखिए हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से टूट जाएगा तो पूरे हाथ सिलाई निकल जाएगी। अगर इसमें ऐसा नहीं है, इस केस में
इसमें अगर हमारा एक धागा भी टूटेगा तो जहाँ पे हमने गांठ लगाई ये 5 धागे में वहाँ अटक जाएगा, ये हमारा यहाँ तक है। फिर भी देखिए यहाँ से मैं खींच रहा हूँ तो मेरे हाथ में नहीं आएगा, यहाँ से टूट जाएगा, लेकिन ये हमारी बच कर रहेगी। तो इसके लिए ये आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना टाइम है हाथ सिलाई करने का। अगर कम टाइम है तो फिर इस तरीके से कर दीजिए, बाकी ये फॉर्मूला अच्छा रहेगा। ये हमारा हो जाने के बाद वापस से हम गांठ लगाएंगे और एक और स्टाइल है वैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने वापस से एक लिया है, और हाँ हाथ सिलाई हो जाने के बाद हमें इसको खोल देना है, जो हमने बड़ी सिलाई लगाई है उसको हम खोल देना है। और फिर ये देखिए हम वापस से दूसरी साइड आ जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पे गांठ सब में लगा देनी है, और उसके बाद देखिए यहाँ से एक धागा लिया, यहाँ से एक धागा लिया, और फिर यहाँ पे ऊपर, और फिर हमें इस तरीके से कर देना है। यहाँ पर भी सेम वैसे एक धागा लिया और इसको इस तरीके से करते जाना है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये गले में फॉर्मूला काम नहीं आएगा। अगर हाँ कैनवास वाला गला रहेगा तो आप कर सकते हो, लेकिन चलता भी है, लेकिन जो मैंने सेकंड वाला बताया वो सबसे बेस्ट है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से डाला, और फिर यहाँ पे इस तरीके से गांठ लगा दी, फिर डाला, फिर गांठ लगा दी। इस तरीके से आपको करते जाना है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट से सीख सकते हैं। याद रहे सिर्फ एक धागा ही आना चाहिए पीछे का, अगर आगे का आपका 2-3 धागे भी अंदर हो गए सुई के तो चलेगा, लेकिन पीछे का एक धागा ही आना चाहिए। और जब हम ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पे इस तरीके से झांप लगाए वहाँ पे 2 गांठ मार देंगे, और फिर वापस से 1 गांठ मारेंगे और फिर खींच लेंगे। तो यह था हमारा तीसरा तरीका कि हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हाथ सिलाई करेंगे, ये हमारा तीसरा तरीका है। यह हमारा पहला है यहाँ पर, और यह हमारा दूसरा है। दूसरा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा हाथ सिलाई करने का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और तीसरा वीडियो हमें किस तरीके से बनाना है उसके इन्फॉर्मेशन देने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हम किस तरीके से वीडियो बनाए ताकि आपको समझ में आ सके है। और हाँ अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं मशीन के बारे में, जो हमारा ये बड़ा वाला मशीन होता है और छोटा वाला मशीन होता है उसके इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ, तो देखते रहिए आगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।